हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको घड़ी के क्वेश्चन, मतलब घड़ी में दर्पण में, अगर घड़ी का समय दर्पण में देखेंगे तो कितना टाइम कैसे निकालते हैं वो बता दिया है। अगर घड़ी का टाइम हम जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो कितना टाइम बता रहा है, ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं आपको कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ, कैलेंडर। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कला। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर में हमें पहले थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर हमें थ्योरी नहीं पता है और कैसे डेट निकालते हैं ये हमें नहीं पता, तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा आपको पहले थ्योरी करा रहा हूँ, साथ ही साथ सवाल करा रहा हूँ। ये कराने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कर लगाऊँ, इसलिए पहले थ्योरी का थोड़ा भाग है। देखिए देखिए, सबसे पहले विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं? यदि कोई संख्या 7 से बड़ी है तो उसे 7 से बाहर करते हैं। भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही हमारे विषम दिन होते हैं। देखिए विषम दिन कैसे याद करते हैं, यदि कोई संख्या 7 से बड़ी आ रही है तो उसे 7 से भाग करते हैं। भाग देने पर जो शेष बचता है वही हमारे विषम दिन होते हैं। ठीक, देखिए इसका एक सवाल करके देखिए कैसे करेंगे। ये इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल। ठीक, यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या दिन होगा? ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। हमें विषम दिन दिया, किसी ने हमसे पूछा 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या होगा। कभी कभी घर में भी पूछ लेते हैं कि आज जैसे 10 तारीख है कि 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, आप कैलेंडर में देख के बताते हैं। बिना कैलेंडर में देखे कैसे बता पाएंगे? देखिए, यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या होगा? 30 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा? 25। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 7 से बड़ी संख्या है, इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 3 21। ठीक, 21 कितना शेष बच रहा है? 4 शेषफल बच रहा है। ठीक, अब जो ये 4 शेषफल बच रहा है, 5 को शुक्रवार था, 4 दिन आगे चलेंगे शुक्रवार से, शनिवार रविवार, देखिए शनिवार रविवार सोमवार मंगल, 4 दिन आगे चलेंगे, क्या दिन आएगा हमारा? मंगलवार। ठीक, तो 30 अगस्त को हमारा क्या दिन होगा? 30 अगस्त को मंगलवार होगा। ये इसका फर्स्ट टाइप था क्वेश्चन का, ये आपको मैंने बता दिया कैसे निकाला। यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या दिन होगा? 30 में से 25 घटाया, 25 आया, 25 को 7 से भाग करेंगे क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, 7 से भाग कर रहा, 3 बार कट गया, 7 से 21, 4 शेषफल बचा तो 4 शुक्रवार से चौथा दिन गिनेंगे कौन सा है, तो शुक्रवार को नहीं गिनेंगे, अगला दिन गिनेंगे शनिवार रविवार सोमवार मंगल। ठीक है, तो मंगल चौथा दिन आया तो मंगलवार होगा 30 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। आप इनके हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आपको जब मैं प्रैक्टिस लगाऊंगा आपको कंफ्यूजन होगा, और आपको पता होगा तुरंत आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, देखिए सेकंड टर्म, अब आता है महा से संबंधित तथ्य। ठीक है, महा से संबंधित तथ्य, अब देखिए पहला पॉइंट इसका,
आपने नोट कर दो। चलिए, एक साधारण वर्ष में कुल 7 महीने, ठीक है, कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक, ये 7 महीने जो होते हैं 31 दिन, 31 दिन के होते हैं, ठीक है, 31 दिन होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से महीने में 31 दिन होते हैं, ठीक है। एक साधारण वर्ष में कुल 7 महीने 31 दिन के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और इनमें इनके विषम दिन इनके विषम दिन 3 होते हैं। विषम दिन से मतलब समझ रहे हैं? विषम दिन से मतलब जैसे मान लीजिए इसमें 31 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, कितना शेष फल बचा? 3 शेष फल बचेगा, इसलिए इसे विषम दिन बोल रहे हैं, 3 विषम दिन। ठीक, पहला पॉइंट आपका एक क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट नोट करिए, एक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, जिस दिन से यह यह माह शुरू होता है, उससे 2 दिन बाद अर्थात मतलब सोमवार को शुरू हुआ तो मंगल बुध में खत्म हुआ, ठीक है, दिन के अगले 2 दिन, ठीक, दिन के अगले 2 दिन। यह माह शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है, ठीक है, अगले 2 दिन नहीं, अगले दिन ही खत्म होता है। जैसे सोमवार से शुरू हुआ तो मंगल में खत्म होगा, ठीक है। देखिए, एक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, जिस दिन से यह माह शुरू होता है उससे अगले दिन यह समाप्त हो जाता है। अब यह माह से संबंधित पहले क्या, एक साधारण वर्ष में कुल 7 महीने 31 दिन के होते हैं और इनके विषम दिन 3 होते हैं, और यह है जिस दिन से शुरू होता है, शुरू होता है उसके अगले 2 दिन बाद ये खत्म होता है, 2 दिन बाद खत्म होता है, ठीक। देखिए दोबारा पढ़िए, माह से संबंधित तथ्य हैं, एक साधारण वर्ष में कुल 7 महीने होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। इनके विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 3, ठीक। और यह दिन मान लीजिए कोई जनवरी सोमवार से शुरू हो रही है तो ये बुध में खत्म होगी, ठीक है, ऐसे मार्च मान लीजिए बुध से शुरू है तो शुक्र में इसका लास्ट डेट होगी, अगले 2 दिन के मतलब दूसरे दिन के पर ये खत्म होती है। ऐसी फरवरी, एक वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और जिस दिन से ये माह शुरू होता है उससे अगले दिन में समाप्त होगा, ठीक है। जैसे अगर ये मान लीजिए मंगल में एक फरवरी की मंगल है तो 29 फरवरी क्या होगी? मंगल, ठीक है। अगर एक का मंगल है, एक फरवरी का मंगल है तो 29 फरवरी का क्या होगा? बुध, ठीक। चलिए तीसरा पॉइंट नोट करिएगा इसका, ये नोट कर लिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, लीप वर्ष की बात चल रही थी, एक लीप वर्ष में
366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देखिए, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। ये तीसरा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट है। लीप वर्ष में जो दिन एक जनवरी व 2 जनवरी होता है, वह पूरे वर्ष में 53 बार आता है। बाकी दिन 52 बार आते हैं। ठीक, देखिए तीसरा पॉइंट पढ़िए। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में जो दिन 1 जनवरी 2 जनवरी को पड़ेगा, मान लीजिए 1 जनवरी में को सोमवार है, 2 जनवरी को मंगल है, तो पूरे साल में सोमवार 53 बार आएगा, मंगल 53 बार आएगा। ठीक है, बाकी दिन 52 बार आते हैं। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। इसके आप नोट्स बनाते चलिएगा साथ के साथ, ज्यादा नहीं, 3-4 चैप्टर हैं इनमें, जिसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बाकी आपको जरूरत नहीं, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जल्दी। अभी आपको थ्योरी बताई जा रही, तो थ्योरी नोट लीजिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कौन से कितने लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पहले जानकारी करा रहे हैं। देखिए, अब देखिए, यदि 14 जुलाई को मंगलवार है, मंगलवार है, तो 24 अक्टूबर को क्या होगा, क्या दिन होगा? लेकिन हमने जुलाई दे रखी थी और अक्टूबर की तारीख हुई थी। सबसे पहले आपको बताना चाहिए जुलाई कितने दिन की होती है, कितने महीने आ रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 24 अक्टूबर को डेट पूछी हमने। ठीक है, सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। अगस्त में 31। 14 जुलाई दे रखी है उन्होंने और 31 की जुलाई होती है, तो -14, यहाँ कितना बचेगा? 17। ठीक, यहाँ 31 ही है। अब देखिए क्या करेंगे, इनके विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालते हैं? इन्हें डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जो शेषफल बचेगा वो इनके विषम दिन होते हैं। 7 से 17 कटेगा नहीं, 7 दिन 14, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे? 3 प्लस 7 चौक 28, यहाँ पे कितने विषम दिन बचे? 3। यहाँ पे सितंबर को काटा 30 और 7 चौक 28, 2 बचा शेषफल, यहाँ 7 के 1। ठीक, तो कितने विषम दिन बचे? 3। देखिए अभी आपको ये मैंने बताया, जैसा अभी पीछे बताया था कि इसमें 3-3 विषम दिन होते हैं 31 वाले दिनों में। 30 वाले महीने में कितने विषम दिन होते हैं? 2। अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो आपको खाली इतना ध्यान रखना है 17 दिन बच रहे हैं, डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं। आपको पता अगस्त 31 की होती है, आपको पता होगा विषम दिन 3 होते हैं, तो आप डायरेक्ट 3 लिखेंगे, काटने की आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे सितंबर में 30 का महीना होता है, तो विषम दिन कितने जाएंगे? 2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए आपको पहले थ्योरी बताई जा रही है, थ्योरी में आपको थोड़ा बेसिक से बताया जा रहा है, जब आपको प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है तो आपको बढ़िया से एकदम पता होगा, तो आप तुरंत लिखेंगे और सवाल आपके तुरंत हल होंगे, इसलिए थोड़ा आपको पहले थ्योरी भी बताई जा रही है। चलिए अभी कितने दिन हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। अभी ये फिर 7 से बढ़ा गया, तो इसे 7 से भाग करेंगे, 7 × 7 और शेष पर कितना बचे? 4। 4 शेष बचा, 24 अक्टूबर को दिन पूछ रहा और 14 जुलाई को मंगलवार दे रहा है, तो मंगलवार से 4 दिन अगले चलेंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। 14 दिन कौन सा होगा? शनिवार। तो हमारा 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? शनिवार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देगी, या दी 16 मार्च को पंजाब में 1992 को शुक्रवार है तो 16 मार्च 1989 को क्या दिन होगा? ठीक है, देखिए ने 2 साल पीछे का टाइम पूछ लिया, 1992 से 1989 घटाएंगे कितना आएगा? 3। ठीक, अब इसमें लीप वर्ष कितने होंगे वो देखने पड़ेंगे हमें। लीप वर्ष का अभी बताया नहीं, आगे बताएंगे। लीप वर्ष कौन सा होता है जिसमें फरवरी 29 की हो? देखिए 89 है, 90, 91, 92, 4 से 1992 पूरा पूरा घटा देखिए, 4 जो 16, 3 बचे 39, 4 9 36, 3 बचे 4 8 32, बाकी 1989 भी 4 से नहीं कटेगा, 1990 भी 4 से पूरा नहीं कटेगा, 91 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक लीप वर्ष पड़ा तो विषम दिन कितना होगा? विषम दिन कितने हो जाएंगे इसमें? 4। ठीक, तब क्या करेंगे वो देखिए, 4 दिन बचे विषम दिन। अब वो 1992 का दे दिया उन्होंने, पीछे के साल का पूछा है, तो हम 4 दिन पीछे चलेंगे शुक्रवार से। तो शुक्रवार से पहले क्या आता है? बृहस्पति, बृहस्पति से पहले बुध, फिर मंगल, फिर सोमवार। तो चौथा दिन हमारा कौन सा होगा? सोमवार। तो 16 मार्च 1989 को सोमवार होगा। ठीक, सोमवार इसका आंसर, ये सोमवार इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सोमवार। चलिए इसे उतारिए, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए एक चीज नोट करने की, नोट करिएगा, शताब्दी लीप वर्ष ये शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो वर्ष चार सौ से पूरा पूरा भाग हो जाए, वह शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे 400, 800, 1200, 1600 आदि। ठीक, अब आपको शताब्दी के कोड याद करने पड़ेंगे। ठीक है, शताब्दी भी पता होनी चाहिए आपको, शताब्दी के भी कोड होते हैं, इसलिए आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जा रही है। जब आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहां जाके सवाल को देखेंगे, वहां आपको कराए जाएंगे जब, तो आपको पता ही नहीं होगा कि शताब्दी कोड क्या होते हैं, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ थ्योरी कराई जा रही है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिए, नोट करिए, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। चलिए शताब्दी कोड लिखिए,
जैसे यह है पहला पॉइंट, 1200, 1600, 2000, ये अभी देखिए 4 400 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2400 भी होगा, 2800 भी होगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, 4 400 जोड़ते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इसका कोड क्या होगा आपका, देखिए 2400 तक का लिखी है अभी खाली है, इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड होता है 6। अभी ये समझ में आएगा आपकी कि कोड कहाँ काम आएंगे, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसका अभी। बिल्कुल, अभी देखिए 1300, 1700, 2100, 2500, ठीक, इसका कोड क्या है 4, ऐसे तीसरा शताब्दी कोड लिखिए 1400, 1800, 2200 और ये 2600, इसका क्या कोड होगा 2, ठीक। अब देखिए चौथा 1500, 1900, 2300, 2700, इसका कोड क्या होगा 0। ये कोड आपको पता होने चाहिए, क्यों पता होने चाहिए ये भी आप नोट करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें ये समझाऊंगा आपको। अब देखिए आपको महाकोड याद होने चाहिए पहले इसके, ये आपको पहले बताया जा रहा है, इसके बाद आपको इसका एक एग्जाम्पल कराएगा तो आपको पूरा क्लियर होगा। देखिए महाकोड पहले आएगा जनवरी और अक्टूबर, जनवरी प्लस अक्टूबर, फिर दूसरा फरवरी मार्च, तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका अप्रैल और जुलाई, जुलाई चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका सितंबर और दिसंबर, पांचवें उस पर क्या आएगा मई, छठे नंबर पे जून और सातवें नंबर पे क्या आएगा आपका अगस्त। अब इनके आपको कोड पता होना चाहिए, कोड नहीं पता होगा तो भी आपको बहुत दिक्कत होगी। जनवरी अक्टूबर का कोड कितना होता है 1, इसका कितना होता है 4, अप्रैल जुलाई का कितना होता है 0, सितंबर दिसंबर का कितना होता है 2, मई का 5, जून का 6 और अगस्त का 3। ये इनके कोड होते हैं वहां के, जनवरी अक्टूबर का कोड कितना हो गया 1, फरवरी मार्च नवंबर का 4, अप्रैल जुलाई का 0, सितंबर दिसंबर का 2, मई का 5 और जून का 6, अगस्त का 3। ये आपको याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है ये याद होना आपको, ठीक। अब देखिए दिनों के कोड, दिनों के भी कोड होते हैं, अभी आपको समझ में आएगा ये कोड क्यों आपको लिखवाया जा रहा है और क्यों आपसे कहा जा रहा है, याद करिए। देखिए पहले क्या था संडे, यानी कि इतना तो पता ही होगा ये संडे माने रविवार है, ठीक है। मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, चौथा आपका वेडनेसडे, पांचवा आपका थर्सडे, छठा आपका फ्राइडे, सातवां आपका सैटरडे, ठीक। अब इनका कोड क्या होता है, संडे का कोड 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का आपका 6 और
संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 सैटरडे का कोड आपका 0। ठीक, संडे का कोड क्या है? 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। ये आप नोट करिए, अब मैं आपको सवाल कराऊंगा, आपको समझ में आएगा क्यों मैं आपको लिखवा रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ इसका, ये आपको सब क्लियर होगा कि क्यों लिखवाया जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, मान लीजिए कोई 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, कोई आपसे 15 अगस्त 1947 का दिन पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, यहाँ पे 20 अगस्त 2002 का दिन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको बताना पड़ेगा। अब कैसे बताना पड़ेगा, देखिए इनका इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, अब आपको समझ में आएगी कोड किस दिन काम आएंगे। देखिए दिन कितने दिन है प्लस माह, ठीक है, महा कोड महीने का कोड आपको पता होना चाहिए जो मैं लिखवा रहा था, प्लस वर्ष, प्लस लीप वर्ष कितने पड़ेंगे वो, प्लस शताब्दी, शताब्दी वर्ष होगा तो वो भी देखना पड़ेगा, बटे में क्या आएगा आपके 7, 7 क्यों होंगे, 7 दिन होते हैं। देखिए दिन क्या है 15 अगस्त, तो दिन का मतलब हो गया 15। अब आपने अगस्त का कोड क्या लिखा था, महा कोड लिखा है, तो अगस्त का कोड क्या होता 3 वर्ष। अब वर्ष लेना है आपको, तो देखिए मान लीजिए यहाँ 1947 दिया है, तो अंतिम दो संख्या लेंगे 4 और 7 यानी 47 है। मान लीजिए यहाँ पर होता 1950, तो लास्ट की दो संख्या लेते 50। मान लीजिए 2023 दिया होता तो यहाँ 23 लिखते, ठीक है ये। अब इसमें पूछा है लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, ठीक है, अब लीप वर्ष कैसे निकालेंगे आप, ऐसे तो गिनेंगे नहीं, काट काट के तो देखेंगे नहीं सबको। 1947 दिया है, लास्ट के दो डिजिट लेंगे 47, लीप वर्ष निकालना है हमें, 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग करा कितनी बार कटेगा, 7 से 47 कितनी बार कटेगा, सॉरी 7 से नहीं, ये 47 है, ठीक है, जो भी साल दिया होगा उसके लास्ट के दो डिजिट देंगे, ले लिया हमने 23 नहीं 47 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 47। अब लीप वर्ष कितने साल बाद पड़ता है, 4 साल बाद, तो इसे कितने से भाग करेंगे, 4 से काटे कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 3 शेषफल बच गया, यानी कि 11 बार ही कट रहा है, तो यानी कि लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, 11, ठीक, जितनी बार कटेगा उतने लीप वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कोड हमें पता होने चाहिए, मैंने आपको कोड लिखवाए थे 1200 1600 2000, तो इसका कोड कितना लिखवाया था, 1200 1600 इसका 2000, और 1500 1923 यानी कि 1900 भी लिखवाया था ना, तो 1901 1902 1903 1904 1905 1950 1947 1948 इसका कोड क्या होगा, 0 बताया था मैंने, ठीक, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ जो मैंने ये लिखवाया याद करना, शताब्दी आपको याद होना चाहिए, ये याद होंगे तब ये वाला सवाल होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए बटे में साल, 15 3 18 18 11 कितना होगा, 29 2947 76, ठीक, 76 को भाग करेंगे 7 से 10 बार कटेगा, 7 2 70 6
छह बचा शेष फल। अब क्या करेगा? अब देखिए, एक तरीका यह है, पूछा 1500, इसमें तो दिन ही नहीं दिया, तो आप उंगलियों पर गिनेंगे नहीं कि अगर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र ऐसे चली 6 दिन शेष बच रहा। 6 किसका गॉड है? फ्राइडे का। तो क्या दिन था? 1900 1500 1947 का शुक्रवार था। ठीक है, ये आपका आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आप एक चीज ध्यान रखना, माह के कोड और शताब्दी कोड और दिनों के कोड, ये सब याद करिएगा, ये आपके हो जाएंगे। ये आप नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। अगर आपने ये क्लासे नहीं देखी होंगे, नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। और बच्चे 10 सेकंड में 5 सेकंड में ये क्वेश्चन करेंगे, आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। इसलिए ये क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी ये क्लासे आगे बनाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर पूरा कोर्स फ्री में कराया जा रहा है, कोई कोर्स आपको नहीं बेचा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 12 दिन की स्थिति, चौथा और ये लास्ट मेथड है इसका, बार मतलब दिन, इसे ओब्लिक में मतलब बार को क्या कहेंगे? दिन। ठीक है, दिन की स्थिति ज्ञात करना। देखिए पहला पॉइंट है, कोई दिन महीने में 5 बार तब आएगा जब उस माह में उनतीस दिनों एक अब देखिए 29 दिन के माह में 29 दिन के माह में एक दिन तीस तीस दिन के माह में 2 दिन वा 31 दिन के माह में माह में 3 दिन। ठीक है, 5 बार आते हैं। ठीक है, 29 दिन के माह में 1 दिन, 30 दिन के माह में 2 दिन, 31 दिन के माह में 3 दिन, 5 बार आते हैं। मान लीजिए कोई दिन सोमवार है तो वो 5 बार आएगा, ऐसे करके। ठीक, अब चलिए ये पॉइंट अभी क्लियर करता हूँ कि 5 बार कौन से दिन आएंगे। देखिए तीसरे पॉइंट में क्लियर कर दिए जाएंगे आपको। देखिए तीसरा पॉइंट, देखिए एक तथा एक व 29, दो तथा 30, दो व 30 और 3 तथा 31 एवं 3 व 31 के बाद, मतलब बार का मतलब दिन, के दिन समान होते हैं। इन तारीखों को इन डेट को आने वाले दिन
एक माह में 5 बार आते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद रखता हूँ। नहीं हुआ तो मैं भी क्लियर करता हूँ। बस ये लास्ट थ्योरी है आप कैलेंडर का। आप जो भी सवाल करेंगे, ये आपने नोट्स बना लिए, वो आप आराम से कर सकते हैं इन्हें देख के। मैं कुछ ही दिन में इनके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको रोज, हर चैप्टर वाइज। ठीक है, देखिए पढ़िए। कोई दिन महीने में 5 बार तब आएगा जब उस माह में 29 दिन होंगे। ठीक है, दूसरा 29 दिन के माह में 1 दिन, 30 दिन के माह में 2 दिन, 31 दिन के माह में 3 दिन 5 बार आते हैं। अब 5 बार कौन कौन से दिन आते हैं? एक वो 29 को पढ़ने वाला दिन, ठीक है, 2 व 30 एवं 3 व 31 के दिन समान होते हैं। इन डेट को आने वाले दिन एक माह में 5 बार आते हैं। मान लीजिए एक में सोमवार है और 29 को बुध है, तो सोमवार और बुध उस महीने में 5 बार आएंगे। ऐसे 2 व 29, इसमें 2 में मान लीजिए शनिवार है, 30 को हमारा बृहस्पति है, तो ये महीने में 5 बार पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इससे क्लियर हुए होंगे आपके। ठीक है, चलिए इसका एक सवाल कराते हैं आप। देखिए एग्जाम्पल, देखिए यदि 17 जून को सोमवार है, ठीक, तो इस माह में कौन सा दिन, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा दिन 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। चलिए अब ये सवाल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखा है 17 जून को सोमवार है, वो सोमवार है, तो 1 जून को क्या दिन है? पहले दिन निकालना पड़ेगा, दिन निकालिए। 17 जून से 1 जून के बीच में कितने दिन पड़ेंगे? 17 - 1 = 16 दिन पड़ेंगे। ठीक, अब 16 दिन देखिए 7 से बड़ा है, ठीक है, तो 16 को 7 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 जून को हमें दिन पता करना पड़ेगा, तो 2 शेष फल बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, सोमवार से 2 दिन पीछे चलेंगे, तो सोमवार, रविवार और तीसरे दिन को, एक तीसरे दिन कौन सा होगा हमारा? शनिवार। ठीक, तो हमारा 1 जून को क्या होगा? शनिवार। ठीक है, पहले हमने क्या करा, 17 जून को सोमवार है, तो हमें पहले 1 जून का दिन निकालना पड़ेगा। 1 जून का दिन निकालने के लिए हमने करा 17 में से 1 घटाया, तो बचे 16 दिन, 16 को 7 से भाग करा तो बचे 2 शेष दिन, तो 2 दिन पीछे चलेंगे सोमवार से, तो सोमवार और पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले क्या आएगा? शनिवार, तो 2 दिन पहले क्या पड़ा? शनिवार, तो 2 1 जून को क्या था? शनिवार। अब पूछा क्या आपने, ये माह में कौन सा दिन 5 बार आएगा, ठीक है। अब आपको बताया था कि जो 30 वाले महीने में, मतलब जैसे जून होता है 30 का, तो इसमें 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला माह, 1 व 2 तारीख को पढ़ने वाला दिन पांच बार आएगा। जो ऑप्शन में दे रखा होगा शनिवार तो शनिवार लिखेंगे, रविवार तो रविवार, रविवार का क्या दिन होगा? 2 जून।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो देखिए क्लियर करते हैं। यदि 17 जून को सोमवार है तो इस माह में कौन सा दिन 5 बार आएगा? 17 जून को सोमवार है तो 1 जून को क्या दिन है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जून को हमें दिन पता करना पड़ेगा, 1 जून को क्या दिन है। तो 17 में से 1 घटाया 16 बचा, 16 को 7 से भाग करा, बचे 2 से 1 दिन। सोमवार से 2 दिन पीछे चले गए, सोमवार और रविवार, रविवार से पहले शनिवार, तो 2 दिन पीछे चले कितना हो गया शनिवार। तो शनिवार 1 जून का क्या दिन है, शनिवार। 2 तारीख का क्या है, रविवार। तो मैंने आपको बताया था 29 माह वाले दिन में, जैसे 29 तारीख होती है किसमें, तो एक उसमें 5 दिन पड़ता है, 1 दिन। 30 वाले दिन में, जैसे 30 का महीना है, उसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जो 1 और 2 तारीख में पड़ते हैं, वो 5 दिन पड़ते हैं। तो 1 और 2 में शनि, 1 को शनिवार है, 2 को रविवार है, तो ये दोनों दिन इस माह में 5 बार आएंगे, ठीक है। इसलिए आपको थ्योरी दिखाई गई है। और 31 तारीख के पढ़ने वाले 31 दिन के महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मैथ की। मैं आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर इस टाइम करा रहा हूँ, ये इसका हो गया। इसमें 2 ही 3 चैप्टर हमारे थ्योरी के थे, मैं आपको दर्पण वाला थ्योरी करा चुका हूँ, आपको अल्फाबेट याद करा चुके हैं, कैलेंडर का ये आज पूरा करा ही दिया है। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और इनके नोट्स बनाते चलिए। जल्दी ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करूंगा, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में, जैसे यूपी कॉन्स्टेबल आ रही है, UPSI या UP के जितने भी पेपर है, उसमें ये सब काम आएंगे आपके। इसलिए तैयारी करते चलिए, यूपी के SSC SSC CGL जो भी पेपर होंगे आपके, जिस भी तरह आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए ये इनके नोट्स बनाते चलिएगा। जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तो आपको बहुत फायदा होगा। क्यों होगा, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो मैं आपको सवाल कराऊंगा आपसे होंगे नहीं, और आपको बेसिक पता होगा तो आपको जब मैं सवाल कराऊंगा तो आप तुरंत सवाल करेंगे, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले दिन।